फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट एंड सुपर टेस्टी व्रत में खाने वाली जीरा आलू की रेसिपी। इसे आप व्रत में खाइए या ऐसे भी कभी खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको व्रत में ही सिर्फ खाना है, तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इस जीरा आलू की झटपट से बनने वाली रेसिपी को आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो सिंपल जीरा आलू फ्राई बनाने के लिए ये देखिए मैं ले ली हूँ 2 उबले हुए आलू। सबसे पहले हमें आलू को उबाल लेना है और आलू को उबाल के 2 घंटे के लिए ना ठंडा कर लेना है। यानी 2 घंटे जब भी आपको बनाना होते हैं 2 घंटा पहले आप आलू को बॉईल कर लें, यानी हमें आलू को बॉईल करके ठंडा करके लेना है, गर्म आलू का यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए सिंपली मैं 2 आलू ले ली हूँ। आप चाहें तो अपनी क्वान्टिटी अपने अनुसार बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको बनाना हो। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी बच्चे बड़े हर कोई बेहद पसंद करेंगे। अगर आप उपवास में हों, व्रत में हों, फास्ट किए हों, या फिर ऐसे भी कभी आपको चटपटा कुछ अच्छा खाने का मन हो, तो आप इस जीरा आलू की रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, मात्र 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है, और जितना जल्दी ये बनती है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैं सारे आलू को मैं अच्छे से इनके छिलके जो है हटा दी, तो सिर्फ 2 ही आलू मैं ले ली थी। आप चाहें तो अपने अनुसार कम ज़्यादा आलू की क्वांटिटी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको बनाना हो उतना ले सकते हैं। तो अब सिंपली हमें काटना है, तो बहुत बड़ा हमें बड़े बड़े साइज़ में नहीं काटेंगे। तो एक नाइफ़ ले लेंगे और इस तरीके से हम कट लगाएंगे, पहले 20 से कट लगाएंगे और एक बार और इस तरीके से कट लगाएंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस में हमें काट करके इन्हें ले लेना है। बहुत बड़े बड़े साइज़ में नहीं काटेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम सामग्री में बन जाती है। और वैसे भी व्रत में है, उपवास में है, तो जल्द ज़्यादा तो टाइम देने का किचन में किसी को मन नहीं करता है। तो झटपट से आपको बनाना हो ये रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। इतना जल्दी ये बनता है और जितना जल्दी बनता है उतना ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये देखिए मैं सारे आलू को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट करके ले ली। अब मैं गैस ऑन करके यहाँ पे चढ़ा दी हूँ तड़का पेन। आप चाहे तो फ्राई पेन, कढ़ाई, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है, इसलिए मैं एक तड़का पेन ले ली हूँ और गैस को ऑन कर दी हूँ। अब सिंपली हमें 2 छोटी चम्मच डाल देंगे मूँगफली, कच्चा मूँगफली है ये, तो इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करके ले लेना है। पहले से रोस्ट किया हुआ होगा मूँगफली तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कच्चा मूँगफली है, तो पहले इन्हें हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में ड्राई रोस्ट करेंगे। और भी बहुत सारी व्रत में खाने वाली रेसिपी मैं बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो जो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत सारी व्रत से रिलेटेड रेसिपी जो बनाई हूँ उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मूँगफली जो है हमारा अच्छे से भुन गया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, तो बहुत जल्दी भुन भी जाता है। तो इसमें कुछ भी तेल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब इन्हें हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और वापस इसी तड़का पैन में डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच घी, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे, मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, या व्रत में जो भी खाते होंगे आप उसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। अगर व्रत के लिए खा रहे होंगे तो घी का ही यूज़ कीजिएगा, और अदरवाइज़ आप तेल में ही बना सकते हैं। और बहुत लोग तो व्रत में रिफाइंड भी खाते हैं, बहुत लोग घी भी खाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ घी में बनता है कि रिफाइन आप लोग खाते हैं। तो ये मैं 1/2 छोटी चम्मच तेल घी डाल दी इसमें। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ी देर चटकने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू को, और आलू को अच्छे से हमें क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भून लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम के बीच हम इन्हें भूनेंगे। तो ये देखिए सारे आलू को मैं डाल दी।
बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन जो है हमारा आलू जो है भुन गया है, अच्छे से कलर भी चेंज हो गए हैं इनके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब एक बार और इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब इन्हें मिलाने के बाद डाल देंगे इसमें एक चम्मच भर करके जीरा को, मैं पहले से ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना करके ले ली हूँ, साथ ही इसमें 8-10 में काली मिर्च भी डाल दी थी। तो काली मिर्च और जीरा दोनों को मैं हल्का हल्का भून ली थी, और भूनने के बाद उनका पाउडर बना करके मैं ले ली हूँ। तो सबसे पहले भुने हुए मूँगफली को मिला देंगे, साथ ही इस स्टेज पर हम मिलाएँगे 2 कटे हुए हरी मिर्च और 1 कटे हुए लाल मिर्च। लाल मिर्च भी जो है वो ताज़ी वाली है, और ये हरी मिर्च भी ताज़ी वाली है। साथ ही इसमें जीरा, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, जैसा कि मैं आपको बताई कि साथ में मैं भून करके ले रही थी, वो मिला ली। साथ ही मैं नमक मिला दी स्वाद के अनुसार नमक, और नमक मिलाने के बाद बस इन्हें 1 से 1 मिनट के लिए और भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और ये झटपट से देखिए हमारा जो है बहुत ही स्वादिष्ट एंड सुपर हेल्दी, व्रत में खाने वाली, उपवास में खाने वाली ये जीरा आलू बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि व्रत में हो आप तो ही खाएं, ऐसे भी आप बना करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इन्हें रोटी, पूरी, चपाती किसी के साथ भी खाइए, हर किसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये व्रत में खाने वाली आलू की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी, जीरा आलू की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई होगी एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की सुपर टेस्टी एंड हेल्दी जीरा आलू की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।